टी20 वर्ल्ड कप 2022 का एक और महामुकाबला साउथ अफ्रीका और भारत के बीच में खेला गया। इस मुकाबले में उम्मीदें की जा रही थी कि भारतीय क्रिकेट टीम बड़ी आसानी से मुकाबला जीत जाएगी और सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर लेगी, लेकिन इस मुकाबले में टीम इंडिया को एक बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ता है। एक ऐसी हार जो टीम इंडिया ने एक्सेप्ट नहीं करी होगी। टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिलता है। टीम इंडिया टॉस जीतती है, बल्लेबाजी करती है। बल्लेबाजी में ओपनिंग पेयर से लेकर के मिडल ऑर्डर भी बिल्कुल फ्लॉप रहा। अगर सूर्य कुमार यादव को छोड़ दें तो फिर कोई कमाल का प्रदर्शन नहीं कर पाया। सूर्य ने 40 गेंद पर 68 रन की पारी खेली। टीम इंडिया की गेंदबाजी लाइनअप भी काफी अच्छी रही, लेकिन तारीफ करनी होगी साउथ अफ्रीका के विस्फोटक बल्लेबाज एडम मार्करम और उनके साथ में डेविड मिलर की। मिलर किलर जिन्होंने गुजरात टाइटंस को चैंपियन बनाया, अब भारत की राह में रोड़ा बन गए और भारत से ये मुकाबला 5 विकेट से जीत जाते हैं। अंतिम ओवर में ये मुकाबला जाता है, लेकिन इस मुकाबले के बाद पाकिस्तान की तो उम्मीदें टूटी है, लेकिन टीम इंडिया की अब नैया बीत मझधार में फंसती हुई नजर आती है। टीम इंडिया के लिए एकमात्र आखिरी रास्ता बचा है यहाँ से सेमीफाइनल में जाने का। कौन सा है वो आखिरी रास्ता, आइए आपको बताते हैं पूरा पॉइंट टेबल का हाल। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप ये टीम इंडिया के फैन तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं ताकि क्रिकेट जगत की तमाम बड़ी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो जी हम बात कर रहे हैं टी20 वर्ल्ड कप 2022 के बारे में, जहां पर दो ग्रुप चलते हैं, छह छह के हिसाब से दो ग्रुप बनाए गए हैं। इस मुकाबले पर जैसा हमने कहा पाकिस्तान की भी नजरें टिकी हुई थी। पाकिस्तान की नजरें इस लिहाज से क्योंकि पाकिस्तान चाहता था टीम इंडिया जीत जाए, शायद इसी वजह से कि पाकिस्तान ने जिस चीज को सपोर्ट किया है वो इस वर्ल्ड कप में हारा है और पाकिस्तान को हार मिली है इस मुकाबले में मानो टीम इंडिया के रूप में। लेकिन हम बात कर रहे हैं फिलहाल कौन सी टीमें सेमीफाइनल में जाती हुई दिख रही है, इंडिया के लिए कौन सा आखिरी रास्ता बच गया है। अगर वहां पर इंडिया फ्लॉप हुई तो फिर क्यों आखिर वो बाहर हो जाएंगे और पाकिस्तान के लिए क्या रास्ता है, बताते हैं सब कुछ। आइए आपको पहले बात करते हैं ग्रुप एक के बारे में। न्यूजीलैंड ने 3 में से 2 मुकाबले जीते हैं 5 पॉइंट के साथ में पहले पायदान पर। इंग्लैंड ने 3 में से 1 जीता है 3 पॉइंट के साथ में दूसरे पायदान पर। आयरलैंड तीसरा पायदान, चौथे पायदान पर ऑस्ट्रेलिया, पांचवें पायदान पर अफगानिस्तान और 6th पोजीशन पर नजर आती है श्रीलंकन क्रिकेट टीम। अफगानिस्तान और श्रीलंका तो पूरी तरह से बाहर हो चुकी है, आयरलैंड को कोई जाने देगा नहीं। साफ तौर पर जाहिर है न्यूजीलैंड क्वालिफाई करने के मात्र औपचारिकता के रूप में बाकी है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में से कोई एक क्वालिफाई करता हुआ नजर आएगा। भारत के खिलाफ बड़ी जीत के बाद साउथ अफ्रीका की टीम 3 में से 2 मुकाबले जीतकर 5 पॉइंट के साथ में पहले पायदान पर है। साउथ अफ्रीका एक भी मुकाबला नहीं हारा है। इनकी नेट रन रेट भी +2.77 के रूप में है। इंडिया को नेट रन रेट में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और टीम इंडिया फिलहाल दूसरे पायदान पर है। 3 में से 2 मुकाबले जीता है, एक मुकाबला हारा है। अभी कुछ साउथ अफ्रीका की लगभग क्वालिफिकेशन पक्की नजर आती है। अगर वो पाकिस्तान के खिलाफ हार भी जाते हैं तो ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि अगला मुकाबला जीतकर 7 पॉइंट के साथ में वो क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन क्या टीम इंडिया यहां से क्वालिफाई कर पाएंगी, आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले बताते हैं बाकी टीमों का क्या हाल है। बांग्लादेश तीसरे पायदान पर है 3 में से 2 मुकाबले जीतकर 4 पॉइंट के साथ में। चौथे पायदान पर जिम्बाब्वे है 3 में से 1 मुकाबला जीता है 3 पॉइंट के साथ में। पांचवे पायदान पर पाकिस्तान है 3 में से 1 मुकाबला जीता है 2 पॉइंट के साथ में। 6th पोजीशन पर नीदरलैंड नजर आती है जो इस रेस से लगभग बाहर हो चुकी है। अब इंडिया के लिए कौन सा रास्ता है, इंडिया के बचे हैं 2 मुकाबले, एक बांग्लादेश और एक मुकाबला जिम्बाब्वे से है। दोनों अच्छी खेल रही है इस सीजन में, लेकिन अब इंडिया के लिए दोनों ही चुनौतियां हैं और दोनों ही मुकाबले डू एंड डाई हैं। अगर आप हारे तो फिर आप रेस से बाहर हो जाएंगे, फिर आप दूसरी टीमों के ऊपर और नेट रन रेट पर ही जा सकते हैं। इसलिए इंडिया का एकमात्र आखिरी रास्ता यही बचता है कि अब बचे हुए दोनों मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे। लेकिन क्या यहां पर पाकिस्तान क्वालिफिकेशंस में जगह बना पाएगा, पाकिस्तान के लिए अब बचे हुए दोनों मुकाबले जीतने जरूरी है। अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान ज्यादा से ज्यादा 4 और पॉइंट हासिल कर लेगा और टोटल 6 पॉइंट हो जाएंगे। अब पाकिस्तान ये भी चाहेगा कि इंडिया एक और मुकाबला हार जाए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा 6 पॉइंट पर जा पाए, और अगर ऐसा हुआ तो फिर पाकिस्तान क्वालिफाई कर पाएगा। तो पाकिस्तान अब इंडिया के हारने की दुआ करेगा। अब देखने वाली बात है कि क्या होगा क्या नहीं, लेकिन इंडिया के लिए जरूरी है बचे हुए दोनों मुकाबले जीतने और पाकिस्तान चाहता है इंडिया हारे। इस बारे में आपकी